हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक छोटा सा फॉर्मूला जो गूगल शीट में आपको एलसीएम के बारे में बताएगा वो क्या है, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, लाइक 6 लिखता हूँ, ठीक है, ये 6 लिख दिया इस कॉलम में, और यहाँ पे आता हूँ इस सेल में लिखता हूँ 7 और इस 7, तो ये तीनों सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू हमने लिख दी है। अब यहाँ पर हम एलसीएम का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है। अब ये एलसीएम का सिंटेक्स क्या कहते हैं, अगर आप एक बार में तीनों को सेलेक्ट करते हैं और अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 126 आ रहा है, यानी इन तीनों का एलसीएम 126 होगा। ठीक है, इसको छोटे तौर पे करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर कुछ और लिखा हो, लाइक यहाँ पर 2 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पर 9 लिखा हो, तो इस कंडीशन में 18 आ जाएगा। अब जो एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल मेथड होता है वो यही तो होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 3 6 हो गया, और यहाँ पर कॉमा देंगे, 2 1 2 हो गया, 9 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो यहाँ 9 का 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 3 लिख देता हूँ, ये 3 से डिवाइड हुआ, तो 3 से डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आप इसको 3 से एक बार और डिवाइड कीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये 1 है कॉमा, ये 1 है, और ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 2 18, यानी कि आंसर आपका कितना आ रहा है, 3 ये 2 है और इंटू 3 करिए 6 हो जाएगा, और 6 3 18, यानी कि आंसर आपका आएगा इसमें कितना, 18 आएगा। तो ये बहुत इजी है, मैंने आपको दिखाया है गूगल शीट पर, ये कुछ इस तरीके से आया था, ये देखिए 18 आया हुआ है यहाँ पे। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक छोटा सा फॉर्मूला जो गूगल शीट में आपको एलसीएम के बारे में बताएगा वो क्या है, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ, लाइक 6 लिखता हूँ, ठीक है, ये 6 लिख दिया इस कॉलम में, और यहाँ पे आता हूँ इस सेल में लिखता हूँ 7 और इस सेल में लिखता हूँ 9, ठीक है, तो ये तीनों सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू हमने लिख दी है। अब यहाँ पर हम एलसीएम का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है। अब ये एलसीएम का सिंटेक्स क्या कहते हैं, अगर आप एक बार में तीनों को सेलेक्ट करते हैं और अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 126 आ रहा है, यानी इन तीनों का एलसीएम 126 होगा। ठीक है, इसको छोटे तौर पे करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर कुछ और लिखा हो, लाइक यहाँ पर 2 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पर 9 लिखा हो, तो इस कंडीशन में 18 आ जाएगा। अब ये एलसीएम जो आप कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से ये आपको आंसर देता है। अगर आप कुछ और यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एचसीएफ का कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, जबकि एलसीएम का फॉर्मूला मिल जाता है।